गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शान स्टाइल। तो आज मैं आपको अपने कॉलेज का टूर कराने वाली हूँ। वैसे कि तो सब जानते ही हैं कि पीजी कॉलेज सरदार भगत सिंह कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है रुद्रपुर उत्तराखंड का। तो आज मैं उसका थोड़ा सा टूर कराऊंगी, थोड़ा सा लिटिल बिट टूर। ओके, तो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ से इसकी एंट्रेंस स्टार्ट है और ये हमारे गार्ड भैया हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ से इसकी पूरी एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है अंदर तक के लिए कैंपस के लिए। तो गाइज यहाँ से पूरी एंट्रेंस स्टार्ट हो रही है हमारे सरदार भगत सिंह कॉलेज की। स्टार्टिंग में ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा स्टार्ट होता है बीएड एंड बीबीए डिपार्टमेंट। तो गाइस लेफ्ट राइट हैंड साइड स्टार्ट होता है इस कॉलेज का वॉलीबॉल कोर्ट, ऐसा है पूरा कोर्ट देख सकते हैं आप। और स्टार्टिंग में ही राइट हैंड साइड पे वॉलीबॉल कोर्ट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे है मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति जो मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित हुई है राजकुमार ठुकराल जी जो विधायक है। आगे चलते हैं तो लेफ्ट साइड में ही पार्क है ये पूरे कॉलेज का। सामने ही हमारा बीबीए डिपार्टमेंट भी दिखता है और ये पूरा पार्क है। और अब थोड़ी सेफ्टी रीजन की वजह से यहाँ पे चेन्स वगैरह लगा दी हैं और पार्किंग यहाँ पे कर दी है। और पहले ये हमारी ओल्ड लाइब्रेरी है, पहले लाइब्रेरी थी, अब मे बी कुछ ऑफिशियल वर्क होता है यहाँ पे तो वो बंद हो चुकी है। एंड उसके जस्ट सामने है वाचनालय जहाँ पे पूरा एक हॉल टाइप है, कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पे सेमिनार वगैरह अटेंड किए जाते हैं, कोई भी फंक्शंस होते हैं वो अटेंड किए जाते हैं। और वो उधर हमारा तिरंगा लहराता है एंड उधर भी क्लासेस हैं। मैं आपको आने वाले इसी व्लॉग में सब कुछ बताती रहूँगी जैसा भी है। स्टार्ट होता है हमारा विज्ञान संकाय यानी कि साइंस डिपार्टमेंट, बिल्कुल जस्ट सामने है। जब आप इधर से एंटर करोगे तो सबसे पहले बीबीए, फिर वॉलीबॉल कोर्ट, फिर उसके बाद डायरेक्ट सामने हमें विज्ञान संकाय दिखेगा यानी कि साइंस डिपार्टमेंट। ये हमारा साइंस डिपार्टमेंट है एंड इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड पे है फुटबॉल ग्राउंड और इसी के जस्ट लेफ्ट साइड है हमारा क्या नाम है लाइब्रेरी एंड इधर साइड है पूरा क्या नाम है आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो आगे मैं आपको आर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा टर्न करने के बाद, थोड़ा सा राइट टर्न करने के बाद ही हमारी नई लाइब्रेरी है बजाज पुस्तकालय। और यह वो ओल्ड थी, अब ये न्यू है और ये अब न्यू आ चुकी है, यहाँ पे बन गई है न्यू, जिसको भी हमारा पूरा आर्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है। सारी सब चीज़ के एक एक डिपार्टमेंट है। इधर साइड हमारा प्रिंसिपल रूम्स है और हमारे प्रिंसिपल सर का नाम है प्रोफेसर कमल किशोर पांडे, बहुत ही ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। डॉक्टर दिनेश शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर, ये इनका रूम है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने के बाद होता है हमारा हिंदी विभाग स्टार्ट यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट। एंड फिर जो इसके मेन प्रोफेसर हैं, सबसे फर्स्ट प्रोफेसर जो हैं शंभू दत्त पांडे, दूसरा है डॉक्टर निर्मला जोशी असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट हम आपके पास चलते हैं और नेक्स्ट डिपार्टमेंट दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र विभाग यानी कि इकोनॉमिक्स और इसके मेन प्रोफेसर हैं डॉक्टर जानकी सोयाल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डॉक्टर मनीषा तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर रीनू रानी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इनके मेन प्रोफेसर हैं। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो ये यहाँ पे रहेंगे। वाणिज्य विभाग जहाँ पे सारा सब कुछ संभालते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश एसोसिएट प्रोफेसर। एंड थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये इंग्लिश विभाग स्टार्ट होता है यानी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड इसके मेन प्रोफेसर है डॉक्टर शर्मिला सक्सेना एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये यहाँ के मेन है डॉक्टर दिशा मैम, ये डिपार्टमेंट इंग्लिश है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मनोविज्ञान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और इनके प्रोफेसर का नाम डॉक्टर कमला डी भरद्वाज असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इसी के जस्ट बगल में क्लास है मनोविज्ञान की ही, साइकोलॉजी की ही।
और इसके बाद यहाँ पे एंड होते हैं सारे डिपार्टमेंट। जब ये हमारा जस्ट सामने ही हमारा ऑफिशियल वर्क होता है, जहाँ पे सारा स्टूडेंट से रिलेटेड या फिर उनकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे वर्क काम होता है। क्लासेस हैं तो देखिए मैं जा रही हूँ ऊपर, क्लासेस को दिखाती हूँ आपको। सामने हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है एंड हमारे लेफ्ट साइड आ जाता है हमारा भूगोल विभाग की ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर भगवती जोशी, यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर कमला बोरा एंड पूनम साहा, बोथ आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। एंड सामने पूरा क्लासेस हैं एंड जस्ट हमारे सामने भी पूरी क्लासेस हैं। गाइस यहाँ से हमारा एमए का क्लास स्टार्ट होता है। कितनी पढ़ाकू लड़कियाँ हैं दोनों, कितनी दोनों पढ़ाकू लड़कियाँ पढ़ रही हैं। ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं और दोनों बहुत पढ़ाकू हैं और पढ़ रही हैं, आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली हैं। ये देखिए एक बाल लहराती है और एक ने अभी अभी नाक छिदवाई है तो उसको पेन है, इसलिए उसने मास्क चढ़ा रखा है तो वो अपनी फेस नहीं रिवील करेगी। बहुत स्मार्ट लड़की है, ठीक है, इसलिए वो फेस रिवील नहीं करना चाहती अभी। देखिए गाइस सामने है खाली बोर्ड एंड आई डोंट नो कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं दोनों। हाँ देखिए आज ये इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं बन के आई हैं। ये देखिए मैं आपको विज्ञान संकाय मतलब साइंस डिपार्टमेंट का पूरा मतलब थोड़ा सा टूर दिखाती हूँ छोटा सा। यहाँ से एंट्री है इसकी, तीन रास्ते जाते हैं, एक सामने से, एक राइट एंड एक लेफ्ट। लेफ्ट से इधर जाता है एंड राइट से इधर एंड फ्रंट से सामने इधर। और ये है ग्राउंड, साइंस डिपार्टमेंट का ग्राउंड। फिर उसके लेफ्ट साइड पे जब हम आते हैं तो इधर भी क्लासेस हैं और ये भी एक छोटा सा मिनी ग्राउंड है साइंस डिपार्टमेंट का, देख सकते हैं। ये सामने पूरा बीकॉम डिपार्टमेंट है, एमकॉम एंड बीकॉम, ये पूरा डिपार्टमेंट वही है। और इसी के साथ चिपका हुआ है हमारा साइंस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं एनएसएस पार्क, यानी कि जहाँ पे भी हमारे खेल कूद सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सारे टूर्नामेंट जहाँ होते हैं। ये मेरी दो फ्रेंड्स सबसे आगे जा रही हैं, यही बताएंगी, एक्सप्लोर करेंगी। नामिका कुछ कहना चाहोगी क्या है ये? यस, चलिए देखते हैं हमारा एनएसएस ग्राउंड कैसा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किसी भी प्रैक्टिस के लिए, देखिए ये पूरा बड़ा है। तो गाइज ये हमारा पूरा ग्राउंड है एनएसएस ग्राउंड, जहाँ पे हमारे खेल से रिलेटेड सारे गेम्स होते हैं। वहां पे एक गेम हो रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकती हूँ कि वहां पे प्रैक्टिस हो रही है। खो खो हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ देखिए वहां पे खो खो हो रहा है, खो खो चल रहा है वहां पे, प्रैक्टिसिंग चल रही है खो खो की। और ये पूरा ग्राउंड है और ये एक बेचारी लड़की घूम रही है, इसको कोई जगह नहीं मिली है तो ग्राउंड में ही घूम रही है। से हाय नामिका, हाय। ये देखिए पूरा वहां की साइड स्टेजेस लगते हैं, मतलब जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं। और यहाँ सामने पूरे ग्राउंड में गेम होते हैं, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे गेम्स यहाँ होते हैं, क्रिकेट भी हो रहा है। तो गाइज हमारे ही कैंपस के अंदर ये हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि प्राइवेट UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, तो ये हमारे में UOU से कनेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी है, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं और इसके एडमिशन्स भी होते हैं। और अभी मे बी शायद हो भी रहे होंगे, जिनको नहीं पता है वो इधर जा सकते हैं, इधर बुक्स, इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट फाइल्स, जो जितना भी प्रोजेक्ट का वर्क है सब कुछ बताते हैं और अच्छे से हमारी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट होती है। और ये बिल्कुल एकदम सेफ है, आप ले सकते हैं इसमें, बहुत सारे काफी बच्चे हैं हमारे कैंपस के अंदर है, तो यानी कि हमारे कैंपस के भी बच्चों ने भी इसमें पार्ट एडमिशन ले रखा होगा। और यहाँ पे एग्जाम्स भी यहीं पे ही कंडक्ट होते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे पता है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शांत स्टाइल व्लॉग। Thank you very much.